प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मिलिंग ऑपरेशन और देखेंगे किस तरीके से मिलिंग ऑपरेशन सीएनसी मशीन में परफॉर्म होता है और किस तरीके से उसका पार्ट प्रोग्राम लिखा जाता है। ये पार्ट प्रोग्राम मैंने पूरा आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, लेकिन पार्ट प्रोग्राम समझने से पहले हम देख लेते हैं कि मिलिंग मशीन का टूल किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से उसके टूल के मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए मशीनिंग होने के बाद, बट हमें एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का था, वो कुछ इस तरीके का था, लाइक दिस। जो मिलिंग मशीन में हमारा टूल का मूवमेंट होता है, कितनी एक्सिस होती है, उसके लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें आप जाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। हम डायरेक्टली अब प्रॉब्लम पर चले जाएंगे जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो हमें जो कंपोनेंट दिया गया है वो कुछ पहले इस तरीके का था, लेकिन मशीनिंग परफॉर्म करने के बाद हमें वो इस तरीके का बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ हमारा इस तरीके का है। इस ऑब्जेक्ट को, इस पूरे ब्लॉक को मैं इस बुक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। तो जो हमारे ये वाले कॉर्नर्स हैं, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर होगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ क्योंकि जो हमारी मिलिंग मशीन होती है उसमें ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरीके से रखा जाता है। एक क्लैंप होता है, क्लैंप के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं, वो उसको होल्ड कर लेता है, और जो हमारा कटिंग टूल होता है वो इस तरीके से अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो इस केस में हमारी ये वाली एक्सिस जो होती है ये एक्स को रिप्रेजेंट करती है, ये वाई को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, और ये वाली एक्सिस वाई को रिप्रेजेंट करेगी तो इसलिए वाई लिख दिया है, और जेड एक्सिस होती है हमारी टूल की अप एंड डाउन मूवमेंट। तो चलिए देख लेते हैं, जब टूल हमारा जस्ट इस सरफेस को टच कर रहा होगा तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्स के भी जीरो होंगे, वाई के भी जीरो होंगे और जेड के भी जीरो होंगे इसके अपर सरफेस पे जब टच कर रहा होगा। अगर इस अपर सरफेस से वो टूल ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जेड पॉजिटिव में लिया जाएगा, और इसके अपर सरफेस से जब नीचे की ओर जाएगा तो टूल हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यानी जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा होगा तो टूल हमारा यहाँ पर टच करेगा और उसके बाद जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बट हमें यहाँ पर ये स्ट्रेट चाहिए, यहाँ पर हमें मशीनिंग ऑपरेशन नहीं चाहिए। बट ये याद रखिएगा कि जब टूल हमारा यहाँ पर टच करता है, तो फॉर एग्जांपल इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा कि सपोज ये हमारा कोई टूल है जो उसका आगे का सरफेस है, ये टूल का आगे का सरफेस है, जब टूल हमारा यहाँ पर टच करेगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, लाइक दिस। अगर हम सारे कोऑर्डिनेट जीरो रखते हैं तो हमारा जो है टूल यहाँ पर टच करेगा, बिल्कुल यहाँ पर, यानी कि ये जो टूल का सेंटर होगा, फॉर एग्जांपल इस टूल का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, बट टूल का डायमीटर कुछ ना कुछ होगा, ये टूल का डायमीटर होगा। तो जब हम सारे कोऑर्डिनेट जीरो जीरो डालेंगे तो टूल हमारा कुछ यहाँ रखा हुआ होगा, और इसकी भी कुछ डायमीटर होने की वजह से वो थोड़ा सा मटेरियल को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जब हम टूल को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो होगा क्या, ये मटेरियल भी हमारा कट होना शुरू हो जाएगा, जबकि हमें ये मटेरियल कट नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रेट लेकर आना है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें टूल को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में कंपनसेट करना होता है। कितना कंपनसेट करना होता है, जितनी उसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ये वाली इतनी रेडियस। अगर ये टूल किसी तरीके से इस साइड शिफ्ट हो जाए, ऑफसेट हो जाए, तो फिर हमारा मशीनिंग ऑपरेशन ठीक परफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारा टूल यहां पर चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, क्लियर, यानी टूल हमारा यहां से मूव होता हुआ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास एक कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं G42। अगर टूल को हमें राइट साइड में ऑफसेट करना है तो G42 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मशीनिंग ऑपरेशन आप यहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं और आपका टूल यहाँ पर आ गया गलती से, और आप चाहते हो कि वो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, तो आप यहाँ शिफ्ट करोगे उसे, यानी यहाँ पर शिफ्ट करोगे, फिर उसके बाद वो यहीं से जाएगा, तो उसके लिए होता है हमारा G41, अगर लेफ्ट में ऑफसेट करना चाहते हो तो। और जब ये ऑफसेट आप ऑफ करोगे तो आप लिखोगे G40, क्लियर। तो G40 कैंसिल करने के लिए होता है, G42 हमारा राइट में कंपनसेट करने के लिए होता है, और G41 हमारा लेफ्ट में कंपनसेट करने के लिए होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, जो कि हम यहां पर यूज कर रखे हैं हमने कोड में, ये हम यूज भी करेंगे प्रोग्राम में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा पार्ट प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमें फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमारा ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होगा, बट मशीनिंग ऑपरेशन यानी मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। तो एक तो ये गिवन डेटा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके अलावा जो गिवन डेटा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हमें प्लेट की थिकनेस दे रखी है, यानी जो प्लेट है फॉर एग्जांपल, यानी ये थिकनेस, ये मोटाई, ये हमें दे रखी है 3 mm। फीड हमें दी हुई है 150, और स्पीड, स्पिंडल की स्पीड यानी जो जिस पर हमारा कटिंग टूल लगा होगा उसकी जो रोटेशन है वो हमें दे रखी है 1000 RPM, क्लियर। तो इसके बाद चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो जो सबसे पहली लाइन है G21, G94 एंड G90, ये हमारी इनिशियल सेटिंग के लिए है। इसका मीनिंग क्या है,
G21 का मतलब होता है हमारा मैट्रिक डेटा इनपुट, यानी जो भी डायमेंशन आप लेंगे वो mm में होगी। G94 का मतलब होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कमांड, यानी कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल x की मूवमेंट फीड करेंगे या फिर y की मूवमेंट फीड करेंगे, तो वो हमारे इस ओरिजिन पॉइंट से ली जाएगी। यहाँ पर हमारे ओरिजिन 0, 0 होंगे, यानी x की पोजिशन भी 0 और y की पोजिशन भी 0। इसके बाद G90 का मतलब फीट पर मिनट, जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है mm पर मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे टूल को होम पोजिशन पर भेजने के लिए, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में आपको बता रखा है कि G28 का मतलब होता है टूल गोइंग होम पोजीशन, और उसकी होम पोजीशन के कोऑर्डिनेट यहां पर फिर लिख दिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने यूज किया है M03S1000 एंड M08 एंड G42। ये हमारी सारी की सारी सेटिंग्स एक ही लाइन में कंप्लीट हो गई है। M03 का मतलब होता है स्पिंडल रोटेशन, यानी कि जिस स्पिंडल पर हमारा जो टूल है, जो कटिंग टूल है, वो लगा हुआ है, अब वो रोटेट करना शुरू कर देगा, और कितनी स्पीड से रोटेट करेगा वो यहां पर S के आगे डिफाइन कर दिया गया है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1000 RPM, तो हमने यहां पर 1000 लिख दिया S के साथ, S मतलब स्पीड। इसके बाद आगे आने वाली स्टेप में मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो उससे पहले हमने कूलेंट को ऑन कर दिया है। M08 मींस कूलेंट ऑन। उसके बाद G41 का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी यहां पर, मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था जिसमें हमारी कटिंग की जो टूल था वो यहां पर आ गया था, इसको हमें ऑफसेट करना होता है, यानी कि हमें इसको यहां पर लाना होता है लाइक दिस हियर, ताकि हमारा टूल यहां पर मूव करे इस डायरेक्शन में और हमारा सही मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो, टूल की नोज रेडियस हमारी कंपनसेट हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया G42। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम टूल को पास लेकर आए G00, मतलब लीनियर इंटरपोलेशन। टूल थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा, लीनियरली मूव करेगा, X0 पर आ जाएगा, Y0 पर आ जाएगा, बट Z की 5 पोजिशन पर आ जाएगा। यानी कि सपोज दिस इज योर, यहाँ पर हमारे क्या होंगे, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, तो टूल हमारा जहां कहीं भी होगा वो यहां पर आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर, और यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, बट z की 5 वैल्यू है, यानी कि ये जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 5 है, टूल इस वक्त हमारा यहाँ पर गई है। इसके बाद हम टूल को नीचे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि और नीचे तक मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट की थिकनेस कितनी है, 3 mm, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 mm थिकनेस है, हम टूल को और ज़्यादा नीचे तक लाएंगे। तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया, G01 इसलिए यूज़ किया क्योंकि अब जब टूल नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो वो ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ जाएगा, कटिंग करता हुआ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर G01 के साथ हमने फीड भी लिख दी। फीड कितना है, 150, जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि फीड 150 है। टूल अब नीचे की तरफ जाएगा, कितने डिस्टेंस नीचे जाएगा, Z की -5 डिस्टेंस पर, और याद रखिएगा X भी 0 है, Y भी 0 है, यानी टूल हमारे इस कॉर्नर पर होगा, यहां पर कहीं टूल होगा, और यहां पर हमारी X की वैल्यू भी 0 है, ये X की वैल्यू भी 0 है, यहां पर Y की वैल्यू भी 0 है यहां पर, बट Z -5 है, यानी कि Z अंदर की तरफ है। यहां पर जब ये इस ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो हमारा Z की वैल्यू 0 होगी, बट ये स्टिल अगर ये ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो Z की वैल्यू 0, बट इट इज शोइंग -5। इसका मतलब ये इसके अपर सरफेस से नीचे की डायरेक्शन में 5 डिस्टेंस पर है। क्लियर, तो ये नीचे चला गया है अब टूल हमारा यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, G00 x की वैल्यू 0 ही रखी, y की वैल्यू 5 कर दी। क्यों, अब हमारा टूल यहां से हमें यहां मूव करना है, अब टूल हमें यहां से यहां मूव करना है, इसका मतलब ये हमारी एक्सेस के कोऑर्डिनेट है 0, 0, तो यहां के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 50, और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 50, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो 0, 50 हो गए, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, तो इसीलिए हमने यहाँ पर G01 लिखा। क्यों, क्योंकि टूल यहाँ से यहाँ तक कटिंग करता हुआ जाएगा, हालांकि कोई मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, बट ये सरफेस से टच होता हुआ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर G01 लिखा। x की वैल्यू 0 लिखी, y की वैल्यू 50 लिखी और फीड दे दी। क्यों, क्योंकि ये कटिंग करता हुआ यानी टच होता हुआ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर फीड दी। अगेन अब हमें टूल को यहाँ से यहाँ लेकर जाना है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने पड़ेंगे पहले कि क्या कोऑर्डिनेट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस उन्होंने 10 दी हुई है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 50, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 60, ये y की वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी हो गई 10, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 10, 60। क्लियर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब टूल को हमें यहाँ पर लेके आना है, तो क्या करना होगा, नेक्स्ट लाइन में जब टूल यहाँ से यहाँ जाएगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा, तो भी वो लीनियरली जा रहा है, तो इसलिए हम G01 यूज़ करेंगे और कटिंग करता हुआ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो कंपोनेंट कुछ इस तरीके का होगा, बट जब वो कटिंग करता हुआ टूल जाएगा तो ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर, तो कटिंग प्रोसेस करता हुआ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर G01
वन यूज कर लिया, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी 10, y की वैल्यू कितनी 60, और फीट क्योंकि कटिंग करता हुआ जा रहा है तो फीट हमें देना पड़ेगा, तो फीट कितना 150। अगेन नेक्स्ट लाइन में हमने G01 यूज किया, यहां पर लिखा 65, यहां लिखा 60, क्यों? क्योंकि टूल को अब हमें यहां से यहां लेकर जाना है। जब हम टूल को यहां से यहां लेकर जाएंगे तो हमें यहां के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तो यहां के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये टोटल वैल्यू, ये वाली, ये टोटल वैल्यू, ये कितनी है 55 और ये 5, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 65, y की वैल्यू कितनी रहेगी 60, क्लियर? तो हमारे पास यहाँ इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट भी आ गए, तो वही हमने यहाँ पर किया G01, क्योंकि टूल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो कटच होता हुआ जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए G01, x की कोऑर्डिनेट डाले 65, y की कोऑर्डिनेट डाले 60, देन फीड हमने दी 150। अगेन नेक्स्ट लाइन में टूल हमारा इस पोजीशन से यहाँ तक आएगा, यानी इस पोजीशन से यहाँ तक, तो अगेन हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, ये वाली 5, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ फॉर एग्जांपल, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, क्लियर? तो हमें ये डिस्टेंस पता चल गई कि ये 5 है, ठीक, तो वाई के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5, अब हमें यहाँ से यहाँ तक पता करना है वो कितना होगा 65, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए 65, 5, ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए 65, 5। तो नेक्स्ट लाइन में हमने वही लिखा G01 x 65 y 5 फीट 150। देन नेक्स्ट लाइन में हमने G02 लिखा, क्यों? क्योंकि अब टूल हमारा यहां से यहां आएगा, इस पोजीशन से उसको यहां पर आना है, लेकिन ये जो पोजीशन है वो लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर है, क्यों? क्योंकि यहां पर रेडियस भी दी हुई है, कितनी रेडियस है इसकी 5। अब सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, हमारी जो G00 है वो होता है हमारा फास्ट मूवमेंट ऑफ टूल, जब टूल मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा उसके फास्ट मूवमेंट के लिए होता है, और G01 क्या होता है हमारा लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, जब टूल हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लीनियरली जा रहा होगा और कटिंग करता हुआ जा रहा होगा, तो हम G01 लिखते थे। अब G02 क्या होता है, और इसके बाद एक और आता है G03। G02 और G03 ये दोनों के दोनों हमारे सर्कुलर मोशन के लिए होते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और G03 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब टूल अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो हम G02 यूज करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो G03 यूज करेंगे। अब देखो यहां पर इस वाली प्रॉब्लम में हमारा टूल यहां से यहां आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है, टूल यहाँ पर था यहाँ से घूमकर यहाँ पर आ गया इस पोजीशन पर, टूल यहाँ पर था यहाँ से घूमकर इस पोजीशन पर आ गया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे G02। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा G02, कोऑर्डिनेट डाल दिए, कहाँ के कोऑर्डिनेट, टूल यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे हमें, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये टोटल का टोटल कितना था 65, यहां से यहां तक 65 था, उसमें से 5 कम कर दिया तो कितना बचा 60, तो x के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 60, y के कोऑर्डिनेट यहां पर कितने होंगे 0, क्लियर? तो इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा G02 x 60, x के कोऑर्डिनेट 60 है, y 0, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट वहां पर 0 हो जाएंगे, बट G02 सर्कुलर के लिए था तो हमने यहाँ पर रेडियस मेंशन करी R5, यानी कि टूल यहाँ से यहाँ तो पहुँच रहा है, कितना सर्कुलर मोशन लेकर पहुँच रहा है वो हमारा R डिफाइन करता है, क्लियर? R हमारा डिफाइन करेगा कि कितनी रेडियस के साथ वो सर्कुलेट मोशन में, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया R5, उसके बाद फीट लिख दी फीट 150। नेक्स्ट लाइन में अब टूल को हमें यहाँ से यहाँ लेकर आना है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, यानी टूल जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पर x भी 0 होगा y भी 0 होगा, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा G01, अब टूल हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा ऑब्जेक्ट से टच होता हुआ, प्लेट से टच होता हुआ, तो इसलिए हमने G01 लिखा, x0 y0 अगेन फीट लिख दी यहाँ पर, उसके बाद हमारा जब मशीनिंग ऑपरेशन टूल यहाँ पर आ गया तो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, अब हम टूल को वापस निकालेंगे ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पर टूल को नीचे की तरफ पुश किया था -5, क्योंकि थिकनेस कितनी थी 3, -5 तक पुश किया था यहाँ पर लाइक दिस, अब टूल हमारा उस -5 डिस्टेंस पर ही था जेड की, लेकिन अब वो चारों तरफ ट्रैवल करके आ गया है, कटिंग प्रोसेस करके आ गया है, अब हम टूल को वापस से उसकी पोजीशन पर भेजेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा G01 Z5, क्लियर?
फीड दे दी हमने और साइड बाय साइड हमने यहाँ पर M09 भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मशीनिंग ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा और कूलेंट हमारा ऑफ हो जाएगा। M09 का मतलब कूलेंट ऑफ। नेक्स्ट लाइन में G28 लिखकर हमने उसको होम पोजीशन पर भेज दिया। जो टूल की होम पोजीशन थी वो टूल अपनी होम पोजीशन पर चला जाएगा। इसके बाद हमने कोड लिखा M05। M05 का मतलब होता है जो स्पिंडल जिस पर हमारा टूल लगा हुआ है जो रोटेट कर रहा है अब वो स्टॉप कर जाएगा। M05 मतलब स्पिंडल स्टॉप। इसके बाद M30 लिखा। M30 का मतलब होता है प्रोग्राम एंड, यानी कि मशीन को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम हमारा परफॉर्म हो चुका है और मशीन शट डाउन हो जाएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।